नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। जनसुराज पदयात्रा के 154वें दिन की शुरुआत सिवान जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में बने पदयात्रा शिविर में प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज जनसुराज अभियान का सिवान जिला अधिवेशन है। इस कार्यक्रम में पूरे जिले से जनसुराज अभियान से जुड़े हजारों लोग शामिल होंगे और जनसुराज की आगे की रणनीति पर फैसला होगा। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वीडियो को फेक बता रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ पत्रकारों ने गलती की और उस घटना में 2-3 वीडियो किसी अन्य घटना की चला दी, लेकिन ये घटना पिछले 4 महीनों से हो रही है। केंद्र सरकार ने वीडियो जारी किया है। बिहार के जो भी नेता इस मामले को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मैं उनको बता दूं कि मैं भी 2 दिनों में वीडियो जारी करूंगा। तमिलनाडु की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो फेक वीडियो है, 2-3 फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा। उन लोगों को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। लोगों को वहां बिहार के बच्चों को, बिहार से प्रवासी जो मजदूर गए हैं उनको, उनके साथ मारपीट हुई है। जो डीजीपी ने तमिलनाडु के बयान दिए हैं, उन्होंने बहुत केयरफुली सिर्फ 2 वीडियो का खंडन किया है, उससे पहले 5 से ज्यादा वीडियो और आए हैं। पिछले 4 महीनों में से यह घटना हो रही है और इसका केंद्र सरकार की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है। मैं अभी 2 दिन में जारी करने वाला हूं। वहीं तमिलनाडु में बिहारियों पर हिंसा के मामले को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले में संवेदनशीलता के आधार पर 4 सदस्यीय टीम को भेजा है। सीएम नीतीश कुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातें भी की है। तमिलनाडु में काम करने वाले बिहारी श्रमिकों की भावना पर नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में जो वीडियो दिखाया गया है उससे लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही एक यूट्यूबर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने फर्जी वीडियो फैलाकर माहौल बनाने की कोशिश की गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने 4 सदस्यीय टीम संवेदनशीलता के आधार पर भेजा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री से बात किया। वैसी तमाम बातें, जिन बातों से राज्य के अंदर जो काम करने वाले तमिलनाडु में जो मजदूर, जो बिहारी श्रमिक हैं, उनकी भावना को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। सच तो यह उभर कर करके आ रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट आई है, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और मोहम्मद तनवीर जो यूट्यूबर है उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ कि इन लोगों ने फर्जी वीडियो घृणा का माहौल बनाने की कोशिश की। वह जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में पहुंचे विजय सिन्हा ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मजदूरों को सुरक्षित बिहार लेकर आए, हर हाल में हम लोग मजदूरों को वापस लाएंगे। लालू नीतीश बिहारी मजदूरों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। यह बड़े भाई छोटे भाई का राज 32 साल से बिहार में है। यह लोग रोजगार देते तो बिहारी मजदूरों को मजदूरी के लिए तमिलनाडु नहीं जाना पड़ता और न ही उनकी हत्या होती। बिहार के श्रमिक अपनी मेहनत और हुनर से, पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है। इसके कंपटीशन में लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसके साथ जो दुर्व्यवहार का वातावरण बनाता है ये कतई उचित नहीं है। यह राष्ट्र सभी का है, इस राष्ट्र पर सभी का बराबर का अधिकार है, और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भाव से लेकर किसी भी राज्य का नागरिक रहता है, उसका सम्मान हो और उसको संरक्षण, उसका कोई शोषण दोहन न कर सके, अपमानित न कर सके, हर राज्य की जिम्मेवारी है। वहीं तमिलनाडु में लगातार हिंदी भाषी मजदूरों पर हो रहे हमले के बीच
कई मजदूर अपने घर सीतामढ़ी वापस लौट आए हैं। वापस सुरक्षित लौट आने के बाद मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि वहां लगातार बिहारी मजदूरों को मारकर भगाया जा रहा है, जिसके चलते वह लोग भी तमिलनाडु से जान बचाकर सीतामढ़ी पहुंचे हैं। दर्जनों की संख्या में तमिलनाडु से सीतामढ़ी पहुंचे मजदूरों ने पूरे घटनाक्रम को बयां किया। उन्होंने तमिलनाडु में हो रहे बर्बरता का भी जिक्र किया। वहां फंसे बिहारी मजदूरों पर हमले किए जा रहे हैं। जान बचाकर भागी एक महिला मजदूर का कहना है कि उनके 3 बच्चे हैं, किसी तरह जैसे तैसे तमिलनाडु से भागकर बिहार के सीतामढ़ी पहुंची हैं। तमिलनाडु में क्यों लौट के चला है वहां से? वहां से माहौल खराब है। क्या माहौल खराब है? माहौल ये खराब है कि वहां पे तमिलनाडु में होने की बहुत ज्यादा ही मतलब महामारी है, इसलिए मारपीट होता है ज्यादा करके। हिंदी वाले तमिल वाला सीधा सवाल उठाता है कि हिंदी वाले हो कि तमिल वाले, और हिंदी वाला होता है तो मानी कि मारता है पीटता है, तमिल वाला छोड़ देता है। सीधे यहाँ पे रहने का मतलब क्या है कि बोलता है कि बहुत अच्छा आदमी बोलता है कि हिंदी वाला यहाँ से भगा दो 20 तारीख अंदर में, 20 तारीख अंदर में यहाँ से हिंदी वाले को भगा दिया जाएगा, भगा दो ताकि मानी कि यहाँ पे कोई भी हिंदी वाले का काम नहीं करेगा। हम तमिल वाले हैं, तमिल वाले के लिए काम है, हिंदी वाले के लिए काम नहीं है, जाओ। इसी डर से भागा है? इसी डर से भागे हैं, जो यानी कि जिंदगी जान बचा अगर दूसरा जगह भी काम कर लें। क्या नाम है? माहौल तमिलनाडु में सीधे कहाँ घर है? अदासी मिशन जिला कौन सा है? सीतामढ़ी। क्यों चले आए वहाँ? काम नहीं दे रहा है, सबके मार पीट के बुला रहा है, बच्चा 3-3 है, क्या करूँगा वहाँ पर? कौन मार के पीटता है वहाँ? तमिल वाला मार पीट रहा है। क्या बोलता है? बोलता है घर जाओ तमिल वाला, मैं तो सीधा फर्चा लेके पीछे लेके करता है। डर से भागा है? हाँ डर से भाग गए। 3-3 बच्चा नहीं देखते कि 3-3 बच्चा कैसे रहेंगे वहाँ पर, कैसे करेंगे, इसलिए चला है। क्या नाम है? प्रमिला देवी। कहाँ घर है? भलुआ। जिला कौन सा है? सीतामढ़ी। वह दानापुर स्टेशन पर तमिलनाडु से आए मजदूरों ने अपना दर्द को बयां किया है। बेंगलुरु से दानापुर आने वाली ट्रेन संघमित्रा से उतरे मजदूरों का कहना है कि जितने भी सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं वह सही है, वहां पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हिंदी बोलने वालों को किस तरह से बेरहमी से मार दिया जा रहा है, वहीं वहां का प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। महिलाओं का कहना है कि दोबारा अब हम बाहर नहीं जाएंगे, सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में कल कारखाने लगाएं जिससे बिहार में ही गुजारा हो जाए। आप लोग दोबारा फिर वहाँ जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे हल्ला में हम लोग मामला शांत हो जाएगा तो? मामला शांत होगा तब जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे। ये हल्ला में कौन? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ रहते हैं? मैं मनमा पुत्री पुत्री। ये तो मालूम नहीं, लेकिन हिंदी वालों को मार को भगा रहा है। आखिर काहे भगा रहा है? मालूम नहीं, इसीलिए भगा रहा है कि वहाँ के हिंदी वाला काम नहीं कर पा रहे, तमिल से तुम तमिल काम करे हिंदी वाला नहीं कर पा। अच्छा, मियाँ लोग मार भगा रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मियाँ वहाँ का बात नहीं है। वो जैसे बोलता है वो पूछता है हिंदी है या तमिल, जैसे बोलते हैं हिंदी वाला होता जैसे मारने का शुरू कर देता है। हिंदी वाला को मार देता है? हाँ। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम विनोद कुमार। कहाँ रहने वाले? हम सीतामढ़ी जिला के दोस्तिया गांव का हूँ। हाँ, 1295 जो बेंगलुरु से आते हैं दानापुर तक आते हैं, तो वहाँ से जो जगह है कोयम्बतूर और प्लस में तिरुपुर, सबसे ज्यादा घटना वहाँ पे घट रहा है। उसके बाद में वहाँ से जो मजदूर भाग रहे हैं वो रात को चुपके से भाग रहे हैं। ऐसा समस्या हो गया है कि जो भी हिंदी बोल रहा है वहाँ की तमिल जनता पकड़कर उसको पीटने लग रही है, और पुलिस प्रशासन जो भी है वो उन लोग को सपोर्ट कर रहा है। मतलब उन लोग को रोकना चाहिए कि भाई क्यों पीट रहा है, उसको पूछना चाहिए कि क्यों पीट रहा है। तो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है ऐसा कुछ नहीं कह रही है, मतलब सामने आंखों के सामने देख रहा है, उसके बाद में कोई मना करने वाला नहीं है। और मान लीजिए जो यहाँ ज़्यादा दिन से है जो काम कर रहे हैं वो तमिल बोल रहे हैं, तो जो तमिल बोल रहा है उससे आईडी कार्ड मांग रहा है, उसके बाद में आईडी कार्ड में हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश और साथ में मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है, तो वो लोग पीटने लग रहे हैं। और हम मतलब क्या कहूँ, वहाँ से जो भी हम लोग क्यों मार रहे हैं, मतलब उन लोगों का कहना है कि यहाँ के जो मजदूर है कम
यहाँ के जो मजदूर है 700 रुपए में वहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जो मजदूर है उनका कहना है कि 700 आप मत लो, आप 1200 लो, मतलब आप अपना मजदूरी बढ़ाओ। तो जिसके कारण वहाँ की जो पहले भी मतलब आज से कुछ दिन पहले यहाँ की मजदूर और वहाँ की मजदूर में एक बैठक हुआ था, वो लोग बोले थे कि आप अपना मजदूरी बढ़ाओ, तो यहाँ की जो मजदूर पता ना नहीं बढ़ाए, तो यहाँ के मजदूर 700 में काम कर रहे थे और उन लोग का कहना था कि 1200 करो। आप वहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम वहाँ पे गए थे दूसरे काम से, हम वहाँ 20 तारीख को गए और आज मतलब 28 तारीख वहाँ हमारा काम हो गया और हम वहाँ 3 तारीख को इसको। वहीं कैमूर जिले के दुर्गावती थाना परिसर में होली पर्व और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड बीडीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में की गई। इस दौरान अंचलाधिकारी लक्ष्मण सिंह, दुर्गावती थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह शामिल है। बैठक में अंचलाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने शांति समिति में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से अपील कर कहा कि सभी अपने अपने पंचायतों में लोगों से शांतिपूर्ण होली और शबे बारात को मनाने के लिए जागरूक करें। वहीं अंचलाधिकारी ने कहा कि होली के दिन अगर असामाजिक तत्वों ने किसी भी तरह का हुड़दंग किया तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आज थाना परिसर में बैठक की गई, किस चीज़ को लेकर बैठक की गई? जी हम लोग अपने प्रखंड से थाना परिसर में बुलाया गया था और शांति समिति की मीटिंग और होली और सबक कदर की रात को लेकर के हम लोग पूरे प्रखंड वासी यहाँ मौजूद, प्रखंड के मनिंद्र लोग यहाँ मौजूद थे। सारे लोगों ने वादा किया कि हम लोग मिलजुल करके भाईचारा के साथ और सबक कदर और होली मिलाए मनाएंगे। ठीक है, वहीं गया शहर के एक निजी होटल में नगर निगम के जनप्रतिनिधियों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर चिंता देवी, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद भगत सिंह समेत कई वार्ड पार्षद शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने होली के गीतों का आनंद लिया, साथ ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर मेयर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 2 दिन तक कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, ताकि जो लोग होली पर्व के दौरान अच्छे पकवानों को नहीं खा पाते हैं उनके लिए भी हर तरह की व्यवस्था की गई है। इस तरह के आयोजन से आपसी सौहार्द बढ़ता है और प्रेम का वातावरण बना रहता है। ईद इत्यादि के लिए मिलन समारोह लगते हैं, लोग नीचे करिए। इसी कड़ी में आज नगर निगम के पार्षदगण साथीगण के साथ वहाँ पर यह आयोजन किया गया। कल 12 बजे फिर सम्राट इंटरनेशनल में 4 बजे शहर के लोगों के साथ रखा गया। लगातार ये उमंग, ये जिज्ञासा COVID-19 के कई साल बीत जाने के बाद मौका मिला। लोग सभी जानते हैं कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लाल पीला हरा गुलाबी सारे रंग, हर जात जात से बढ़ के जमात और सब लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब लोग मिलकर उमंग से ये मनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो 10 रुपये में भोजन चलता है हमारे घर पर नहीं होता, उसमें डालमिया जी संस्था के सारे लोग मिलकर संचालित उसको बेहतर ढंग से करते हैं। वहाँ पर हजारों गरीब, इस बार हम लोग अलग से मिठाई, पुआ, दही बरला, पकौड़ी, जो गरीब को नहीं मिल पाता है, जो खुद से संभव नहीं है उनके लिए, और एक जगह आयोजन किए हैं गरीबों के लिए, उसमें जो नॉनवेज है और नॉनवेज भेज है वो भेज, वो सब लोग उसमें खाएंगे, रंगारंग कार्यक्रम देखेंगे। इससे क्या होता है कि समाज में द्वारा जैसे
पिछले 5 वर्षों से हमेशा होली मिलन समारोह हम लोग करते आ रहे हैं और इस बार भी हम लोग होली सम्मेलन करवाएं, जिसमें हमारे सभी वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग, हमारे सभी माननीय पार्षदगण सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, उनके और मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ असत पर सत्य की जीत है, इसीलिए हम होलिका दहन को मनाते हैं। आप इसके गया शहरवासी से यही अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक इस महापर्व को मनाएं, हुड़दंग न करें। वही होली की आहट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, होली मिलन समारोह पूरी तरह परवान चढ़ रहा है। पुरुष मंडली तो पूरी तरह रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही महिलाएं भी होली की खुशियों में सरोबोर हैं। नवादा के स्टेशन परिसर में बने मंदिर में दर्जनों की संख्या में होली गीत गाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि हर साल यहां आकर महिलाएं घरों से पुआ पकवान बनाकर लाती हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक साथ बैठकर खाती हैं, होली के गीतों को नाचते हुए गाती हैं। उन्होंने कहा कि होली का यही उद्देश्य है कि आपसी मतभेद को मिटाकर सब एक ही रंग में रंग जाएं। देखिए, ये महिला समाज है, ये प्रत्येक वर्ष होली मिलन का कार्यक्रम रखते हैं। आज होली मिलन का कार्यक्रम है, आज होली मिलन का कार्यक्रम लोग बहुत सही ढंग से, अच्छे ढंग से प्रेम भाव से सुनता है। साल भर का ये उमंग का पर्व है और इस तरह से हर साल ही लोग मनाते हैं। ऐसे तो शनिवार और मंगलवार का यहाँ भजन होने करता है माता के आश्रम, लेकिन ये विशेष है। इस दिन लोग अपना आराध्य अपने बाबा पर चढ़ाते हैं, इसके माता पर चढ़ाते हैं, सब होली मिलन उसी पर मनाते हैं और ये मनाते हैं कि हम लोग का होली जो है सुमंगल हो, अच्छा हो, इसलिए हर साल ही लोग मनाते हैं। एक चीज और बताते हैं, ये होलिका दहन का जो समय है 1:35 है, सोमवार को पलदाम सोमवार के दिन होगा होलिका दहन, मंगल आतर है और बुध को होली का दिन है, इसलिए सभी लोग इस तरह से मना करके खुशी मनाते हैं। यही है शुभ नाम, रेलवे मंदिर, शुभ नाम अपना दे दिए, विद्याधर शास्त्री यहाँ का प्रधान के लगी करते हैं कि साल भर के बाद यहाँ साप्ताहिक चलता है, हर सप्ताह में आते हैं, लेकिन अब लास्ट महीना चल रहा है तो हम लोग होली मनाते हैं यहाँ पर ही। हर एक साल सब सखियन जितना है यहाँ पर ही आते हैं, धूम मचाते हैं, खाते पीते सब है और रंग अबीर सब खेलते हैं और उसको बाद में फिर साल भर के बाद आएगा दुनिया लुटी वही। लखीसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूर्यगढ़ा प्रखंड के पुरानी बाजार में बने मदरसे की जमीन पर काम के दौरान एक शिवलिंग निकला है। जानकारी मिलते ही लोगों का हुजूम शिवलिंग को देखने के लिए उमड़ पड़ा। शिवलिंग निकलने की खबर के बाद डीएम अमरिंदर कुमार, एसपी पंकज कुमार, एएसपी रोशन कुमार, एसडीएम संजय कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। डीएम एसपी ने सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। डीएम एसपी ने बताया कि जांच की जा रही है और जल्द ही शिवलिंग को मंदिर में रखकर और उसके बाद ठीक से जांच की जाएगी। बता दें कि होली और शबे बारात पर्व सर पर है, हाँ, दोनों समुदाय में आपसी तनाव ना हो इस पर खास नजर रखी जा रही है और यही वजह है कि वरीय अधिकारी खुद स्थल पर बने हुए हैं। कैमूर जिला के मोहनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ 15 नवंबर 2019 को चलती कार में 4 लड़कों ने गैंगरेप किया था, जिसके बाद आरोपियों ने 24 नवंबर 2019 को गैंगरेप का वीडियो वायरल किया था। गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद मोहनिया में मामले को लेकर काफी तनाव की स्थिति बन गई थी। इस तनाव में 2 हिंदू पक्ष के लोगों को गोली भी लगी थी। वहीं अब इस केस में 2 आरोपियों को 35 साल की सजा सुनाई गई है, वहीं तीसरा आरोपी का केस न्यायालय में चल रहा है जो अभी बेल पर है और चौथे आरोपी का केस एडल्ट चाइल्ड में चल रहा है जो अभी जेल में है। पीड़िता पक्ष के वकील मंटू पांडे ने बताया कि न्यायालय का जो भी फैसला है उसे हम उच्च सदन में अपील करेंगे। एक जो है कि व्यवहार में निवेदन किया गया था कि ऐसे गैंगरेप करने वाले अभियुक्तों का कोई भी केस न देखे और 1.5 साल तक उन लोगों को कोई भी अभियुक्त नहीं मुद्दा कोई भी अधिवक्ता नहीं मिला था, इसलिए बाद में अधिवक्ता मिला, ट्रायल में समय हुआ, लेकिन न्यायालय ने जो सजा दिया है उस सजा से हम संतुष्ट हैं। वहीं औरंगाबाद के NH 139 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तितोई बिघा के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार युवक को रौंद डाला है। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक एक निजी विद्यालय का संचालन करता था और किसी काम से औरंगाबाद आ रहा था।
घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वह समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के पटपारा गांव में बाइक सवार अपराधियों ने एक विकलांग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करता था। उधर घटना की जानकारी पर विभूतिपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र के धरहवा गांव में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। घटना में सदर डीएसपी सुबोध कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए शहर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय रामाकृष्णा ने बताया कि विवाद नमाज के दौरान लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हुआ, जिसमें पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। फिलहाल डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पुलिस ने स्थिति सामान्य होने की बात कहते हुए किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बहाल करने में लोगों से सहयोग की अपील की है। और इसके साथ ही बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।